अस्सलाम वालेकुम। और दोस्तों कैसे हो, उम्मीद करते हैं खैरियत होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में आपसे बात करूंगा कि आप अपना गमका का अपॉइंटमेंट बुक कैसे कर सकते हो, भी अपने मोबाइल से घर बैठे आराम से। बिल्कुल आसान तरीका है, वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट कीजिए, उसको मैं ज़रूर समझाऊँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको गूगल क्रोम में आना होगा। गूगल क्रोम में आने के बाद आपको यहाँ पे लिखना होगा GCC। लिखेंगे तो खुद ब खुद आ जाएगा, अगर खुद ब खुद नहीं आए तो आप ये वेबसाइट देख सकते हैं, ठीक है ना, v2.gcchmc.org। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो पहले पेज पर आपका बुक योर अपॉइंटमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, तो फिर इस पर क्लिक करेंगे बुक योर अपॉइंटमेंट पे। फिर नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपको सबसे पहले आप कौन से कंट्री से हैं वो आपको सेलेक्ट करना होगा, इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, कहाँ से। तो मैं इंडिया से हूँ तो मैं यहाँ पे इसको इंडिया सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। और कौन से सिटी से आप मेडिकल कराना चाहते हैं, गमका कराना चाहते हैं, दिल्ली से, मुंबई से, चेन्नई से, कोलकाता से, या लखनऊ से, कहीं से, जहाँ से आप कराना चाहते हैं वहाँ वो सिटी का नाम आप यहाँ पे डाल देंगे। तो मैं यहाँ लखनऊ से कराऊँगा तो मैं इधर लखनऊ डाल दूँगा। अब फिर नीचे आएंगे तो GCC कंट्री, यानी आप कौन से कंट्री, किस देश में जाना चाहते हैं, कहाँ के लिए मेडिकल कराना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे सऊदी अरबिया के लिए कराना चाहते हैं तो हम यहाँ पर सिंपली सऊदी अरबिया सेलेक्ट कर लेंगे, ये हो गया। अब इसके बाद आपको यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम डालना है। यहाँ पे फर्स्ट नेम डालेंगे, फिर नीचे आएंगे, नीचे इधर अपना लास्ट नेम डालेंगे, सारा कुछ आपको पासपोर्ट पे मिल जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले आप इधर ईयर पे सेलेक्ट करेंगे, अपना पहले ईयर सेलेक्ट कर लेंगे कौन सा ईयर आपका डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है ना। तो मैं इधर से, चलिए मैं ये सेलेक्ट कर लूँ, ईयर सेलेक्ट हो गया मेरा। ईयर सेलेक्ट करने के बाद कौन सा महीना यानी कौन सा मंथ में हुआ था आपका पैदाइश वो सेलेक्ट कर देना आपको, ठीक है। उसके बाद से डेट सेलेक्ट कर देना, ये हो जाएगा। फिर नीचे आपको यहाँ पे मेल या फीमेल ये सेलेक्ट कर लेना है। फिर इधर आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, अगर मैरिड हैं तो मैरिड लिखेंगे, अनमैरिड हैं तो अनमैरिड लिखेंगे। तो मैं इधर मैरिड लिख देता हूँ। फिर आपको यहाँ पे अपना पासपोर्ट नंबर डालना है, ठीक है, पासपोर्ट नंबर डालेंगे। फिर नीचे यहाँ पे आपको कंफर्म पासपोर्ट नंबर डालना है, दोबारा फिर से पासपोर्ट नंबर दोबारा से डालना है। फिर ये पासपोर्ट इशू डेट, यानी आपका पासपोर्ट किस डेट को इशू हुआ था, किस डेट को आपका पासपोर्ट बना था, वो भी आपको पासपोर्ट पे फ्रंट के पहले पेज पर ही मिल जाएगा। यहाँ से ईयर सेलेक्ट कर लेंगे इसका। ईयर सेलेक्ट करने के बाद फिर कौन से महीने में हुआ था, ये यहाँ से महीना और यहाँ से डेट सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। पासपोर्ट इशू प्लेस, उसके बाद से आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे पासपोर्ट इशू प्लेस, यानी कौन से जगह से आपका पासपोर्ट इशू हुआ है, यानी लखनऊ से हुआ है, मुंबई से हुआ है, दिल्ली से हुआ है, और कहीं बाहर से हुआ है, अगर आपको सऊदी अरब से हुआ तो सऊदी अरब के किस सिटी से हुआ है, रियाद से हुआ है, जद्दा से हुआ है, इसी तरह आपका कतर से हुआ तो कतर के किस सिटी से हुआ, दोहा से हुआ है, कहीं और से हुआ है, यानी वो भी आपको पासपोर्ट पर दिख जाएगा। तो आपको यहाँ पे उसको डाल देना है। तो मेरा सिंपली लखनऊ से ही हुआ है तो मैं इसको लखनऊ ही डालूँगा, ठीक है। उसके बाद से नीचे आएंगे, पासपोर्ट एक्सपायरी डेट में वो भी आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। यहाँ से आप अपना पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट सेलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह इसमें पहले आपको ईयर सेलेक्ट करना है, ईयर सेलेक्ट करने के बाद महीना, फिर उसके बाद से डेट। फिर इसके बाद से यहाँ से डेट सेलेक्ट कर लेंगे, आपका ये भी सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद यहाँ आएंगे नीचे वीज़ा सेलेक्ट, वीज़ा टाइप आप कौन से, किस वीज़ा पर जा रहे हैं, वर्क वीज़ा पर जा रहे हैं या फैमिली वीज़ा पर जा रहे हैं। तो हम वर्क वीज़ा पर जा रहे हैं तो हम वर्क वीज़ा डालेंगे। इधर आप अपना एक कोई भी ईमेल आईडी डाल देंगे, ठीक है, ईमेल आईडी डालना ज़रूरी है आपको। फिर इधर आपको अपना फ़ोन नंबर डालना है। आप फ़ोन नंबर कैसे डालना है इसके लिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको +91 कंट्री कोड लगाना है, ठीक है। कंट्री कोड लगाने के बाद अपना कोई सा भी नंबर ऐड डाल सकते हैं यहाँ पे। नंबर डालने के बाद आगे बढ़ जाएंगे,
फिर इधर नेशनल आईडी दिखा रहा है, ये ऑप्शनल, इसको डालना ज़रूरी नहीं है। डाल सकते नहीं डाल सकते कोई दिक्कत नहीं है। पोजीशन अप्लाई फॉर, इसको इस पर आप जाएंगे, इसको आप कौन से काम में जा रहे हैं, ड्राइवर में जा रहे हैं, हैवी ड्राइवर में जा रहे हैं, लेबर में जा रहे हैं, कौन से ड्राइवर में जा रहे हैं। तो मेरा तो ड्राइवर में जा रहे हैं, तो मुझे देखते हैं ड्राइवर किधर है। एक ड्राइवर मिल गया, इधर हम इसको ड्राइवर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको इसमें, अगर जो ये लिस्ट है इसमें आपको कोई काम नहीं मिल रहा, तो आपको सिंपली क्या करना है, इधर ऑर्डर ऑर्डर पे सेलेक्ट करेंगे और जिस काम का में जा रहे हैं वो काम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना। अगर लेकिन अगर आपके लिस्ट में है तो इसको अनचेक कर देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको एक कोड यहाँ पर डालेंगे। कोड डालने के बाद यहाँ पे चेक मार्क करेंगे और फिर सिंपली यहाँ पे सबमिट कर देंगे। लेकिन सबमिट करने से पहले आप एक बार ऊपर सारा डिटेल चेक कर लेंगे, ठीक है ना। सारा डिटेल भरने के बाद आपको यहाँ से सबमिट कर देना है। देखिए जैसे सबमिट करेंगे तो आपके पास पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पेमेंट करने का मेन ऑप्शन आने के बाद आपको यहाँ पे दो चीज़ से पेमेंट कर सकते हैं, या तो डेबिट कार्ड से, डेबिट कार्ड होना चाहिए लेकिन वो वीज़ा कार्ड होना चाहिए, या फिर मास्टर कार्ड होना चाहिए, चाहे वो इंडिया का हो या कहीं किसी और कंट्री का हो, लेकिन आपके पास वीज़ा कार्ड या मास्टर कार्ड होना चाहिए। तो मेरे पास पेटीएम का मास्टर कार्ड है, आप चाहें तो पेटीएम से मास्टर कार्ड निकलवा सकते हैं, चाहे वो वर्चुअल हो चाहे कुछ भी हो। आप यहाँ से वीज़ा अपना कार्ड पे जो नाम है वो नाम यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर कार्ड नंबर डालेंगे और कार्ड का एक्सपायरी डेट यहाँ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर CVV नंबर डालेंगे, पीछे सब कुछ लिखे रहेगा CVV नंबर, उसके बाद से पे कर देंगे, ठीक है। जैसे ही आप पेमेंट के लिए करेंगे उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, जैसे पे करेंगे OTP जाएगा, OTP आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे OTP डालने के बाद सिंपली यहाँ पे सबमिट कर देंगे। जैसे सबमिट करेंगे आप OTP डाल, जैसे सबमिट करेंगे आपका गम का बुक हो जाएगा। फिर आपको बताता हूँ कैसे इसको स्लिप को डाउनलोड करना है, ठीक है। जब आपका अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा, बुक होने के बाद आपको स्लिप को डाउनलोड करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो स्लिप डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस फिर से सेम पेज पे आएंगे, वेबसाइट पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद पहले आपको यहाँ 3 डॉट पे जाके आपको यहाँ पे डेस्कटॉप साइट कर लेंगे। डेस्कटॉप साइट करने के बाद फिर इधर आएंगे, 3 लाइन जो है ये 3 लाइन पे क्लिक करेंगे और इधर आएंगे नीचे प्रिंट GCC स्लिप पे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट नंबर डालना है और यहाँ पे अपना नेशनलिटी डालना है, कहाँ के हो आपको, इस देश के हो, किस कंट्री को। तो मैं इंडिया को, तो मैं यहाँ पे इंडिया डालूँगा। जैसे इंडिया डालने के बाद ये जो कोड दिया है कोड यहाँ पे डाल देंगे और यहाँ से इसको जनरेट कर देंगे। देखिए हमारा स्लिप हमारे सामने आ गया है। यहाँ पे क्या करना है, इसको ये जो नीचे आपको दिखेगा PDF, ठीक है ना, ये जो PDF दिख रहा है आपको, मार्क दिख रहा होगा, ये PDF पे क्लिक करेंगे। जैसे PDF पे क्लिक करेंगे आपका, देखिए आपका PDF डाउनलोड हो जाएगा। हमारा PDF डाउनलोड हो गया। डाउनलोड होने के बाद अब फिर आप इसको आराम से यहाँ से 3 डॉट पे जाके किसी को भी यहाँ से सेंड कर देंगे, व्हाट्सएप पे, अपने व्हाट्सएप या किसी के व्हाट्सएप पे सेंड करके आराम से इसको आप जाके किसी भी फोटोशॉप की दुकान पे, फोटोकॉपी की दुकान पे या शॉप पे उसको प्रिंट करके आप अपना यूज कर सकते हैं। बस ये सिंपल सा तरीका है। पसंद आया हो तो ठीक, नहीं पसंद आया तो कमेंट कीजिए, उसका सोल्यूशन निकालेंगे। वीडियो में अभी तक आप ही के लिए बस इतना ही। मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।